कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज से और तेज करने की तैयारी है। आज दिल्ली की सभी सीमाओं पर जमे किसान सुबह से शाम 5 बजे तक अनशन करेंगे। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों में भी सभी जिलों में धरने प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। किसान नेताओं ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो 19 दिसंबर से वो अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। किसानों ने आज ही दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने का भी ऐलान किया था, लेकिन हाईवे पर रविवार से ही जाम के हालात बन गए। राजस्थान के शाहजहांपुर में जमा हुए किसानों ने दिल्ली चलो मार्च शुरू किया है। हालांकि हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोक लिया गया, लेकिन जगह जगह किसानों के धरने के चलते दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। जयपुर के नजदीक भी देर रात ट्रैफिक जाम के हालात रहे। किसानों के अनशन के समर्थन में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी उपवास करेंगे। केजरीवाल के अलावा आपके कार्यकर्ता भी पार्टी दफ्तर पर उपवास और धरना प्रदर्शन करेंगे। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आंदोलन को समर्थन देने वाले पूर्व सैनिक, छात्र, कलाकार, वकील क्या एंटी नेशनल हैं? दरअसल केंद्र के कई मंत्रियों ने किसान आंदोलन में एंटी नेशनल तत्वों के घुस जाने के आरोप लगाए थे। किसानों के नाम पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बीच जंग भी नए चरम पर पहुंच गई है। अमरिंदर ने केजरीवाल को किसानों की पीठ में खंजर भोंकने वाला करार दिया है। अमरिंदर ने केजरीवाल को बेशर्म और झूठा भी कहा। किसानों के प्रति केजरीवाल की सहानुभूति को सियासी ड्रामा बताते हुए कैप्टन ने कहा कि जब किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे तब केजरीवाल कृषि कानून को दिल्ली में लागू कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी का कहना है कि आप घटिया राजनीति पर उतर आई है। धरने पर बैठी महिला पार्षदों पर नजर रखने के लिए नए सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, जबकि सीएम हाउस के बाहर पहले से ही बहुत कैमरे लगे हैं। बंगाल में सियासी तनातनी और हिंसा के बीच एक और बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है। वर्धमान में संदिग्ध हालात में कार्यकर्ता का शव मिलने के कारण बीजेपी भड़क गई है। पार्टी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया और हंगामा किया। इसके पहले बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर बीजेपी और टीएमसी में तीखी बयानबाजी चल रही है। ममता सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने विवादित बयान देकर सियासत और भड़का दी है। मुखर्जी के मुताबिक अगर ममता चुनाव हार गई तो बीजेपी उनकी हत्या करवा सकती है। पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर ही आरोप लगा दिए कि वो ममता की हत्या करवाना चाहते हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी बंगाल में खुद राष्ट्रपति शासन चाहती है। पार्टी सांसद स्वप्न दास गुप्ता के मुताबिक बंगाल में सियासी हिंसा की ताजा वारदातें इसी साजिश का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी से कामयाब होने नहीं देगी और राष्ट्रपति शासन के जरिए ममता बनर्जी को राजनीतिक शहादत का मौका नहीं देगी। हालांकि बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि चुनाव आयोग और केंद्रीय हस्तक्षेप के बिना बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी आतंकवादी मार गिराए, जबकि उनका सहयोगी गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 दिन पहले 3 आतंकवादियों का एक समूह सीमा पार से घुसा था। पाकिस्तानी आतंकवादियों का ये गुट शोपिया जा रहा था। खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस इनका पीछा कर रही थी। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 1 UBGL और 1 सेटेलाइट फोन बरामद किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ये जानकारी ट्विटर पर शेयर की है। उन्होंने कहा कि उनके संपर्क में आए लोग अपनी कोरोना जांच कराएं। फिलहाल जेपी नड्डा घर पर ही आइसोलेट है। ममता बनर्जी समेत कई दिग्गज नेताओं ने नड्डा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन सक्रिय मरीजों की दर 3% से कम रही। अब यह आंकड़ा 2.76% पहुंच गया है। इसके अलावा संक्रमण दर घटकर 2.74% पर पहुंच गई है। राजधानी में 24 घंटे में 1984 कोरोना के पॉजिटिव नए केस सामने आए, जिसके चलते कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 607,454 तक पहुंच गया है। इसके अलावा 24 घंटे में 33 मरीजों की मौत भी हुई। दिल्ली में लगातार 4th दिन भी रिकवरी रेट 95% से ज्यादा रही। रिकवरी दर का आंकड़ा 95.58% तक पहुंच गया है, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 16,785 पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंतोष जताया है। हाईकोर्ट ने यूपी के 4 बड़े शहरों में कोरोना की रोकथाम के उपायों पर असंतोष व्यक्त किया है। कोर्ट लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में फैलते कोरोना संक्रमण को लेकर बढ़ते गए एहतियात से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट का कहना है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है।
कोरोना वायरस महामारी के चलते ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर करीब 9 महीने से बंद है, लेकिन अब इस मंदिर के कपाट 22-24 दिसंबर के बीच पुरी के निवासियों के लिए फिर से खुलने वाले हैं, यानी पुरी के लोगों को मंदिर में प्रवेश का पहला मौका मिलेगा। इस दौरान कोरोना संबंधी सारे सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कंगना रनौत ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। एक्ट्रेस अपनी तेजस की टीम के साथ राजनाथ सिंह से मिलने पहुंची। मुलाकात की तस्वीरें कंगना ने सोशल मीडिया पर शेयर की। तेजस फिल्म में कंगना रनौत एक पायलट का रोल अदा कर रही है। ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित बताई जा रही है। पद्मश्री अवार्डी बनंजय गोविंदाचार्य का निधन हो गया है। वो 84 साल के थे। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक माधव विचारधारा के प्रचारक गोविंदाचार्य ने रविवार को उडुपी के अम्बलपदी स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। संस्कृत के विद्वान विद्यावाचस्पति बी गोविंदाचार्य को साल 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लखनऊ के मोहनलालगंज में कूड़े के ढेर में युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि मृतक अपने एक परिचित के साथ किसी समारोह में गया था, मगर लौटा नहीं। परिजनों ने उनके परिचित पर ही हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी से पूछताछ कर रही है। इंदौर में निगम कर्मी की हत्या से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि निगम कर्मी की अपनी दुकान भी थी। इसी दुकान पर दो लोगों में झगड़ा हुआ। निगम कर्मी झगड़ा सुलझाने के लिए गया था, मगर झगड़ा सुलझाने के दौरान दोनों आरोपी निगम कर्मी पर ही टूट पड़े और पत्थर से कुचलकर निगम कर्मी को मार डाला। हत्या के बाद परिजनों में जबरदस्त आक्रोश है। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव की सरपंच के पति और उसके साथियों ने महिला के साथ गैंगरेप किया और उसके शरीर को गर्म चम्मच से जख्मी किया। आरोप ये भी है कि पीड़ित परिवार को धमकाया गया कि वो पुलिस के पास गए तो जान से मार दिया जाएगा। अब पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया है। 5 आरोपी फरार हैं। बिहार के हाजीपुर में शादी के ठीक पहले दूल्हे को अपहरण कर लिया गया और अगले दिन उसका शव कुएं में मिला। बताया जा रहा है कि मृतक की 12 दिसंबर को शादी थी, मगर 8 दिसंबर को उसका अपहरण हो गया। 4 दिन से पुलिस दूल्हे की तलाश में थी। पुलिस कई जगह छापेमारी कर रही थी, मगर दूल्हे का क्षत विक्षत शव घर के पास ही कुएं में मिला। झारखंड के दुमका में एक शख्स ने 5वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। खुदकुशी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में युवक काफी परेशान था। वो होटल की 5वीं मंजिल पर कुछ देर टहलता रहा और उसके बाद छलांग लगा दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ट्रेन के जरिए गांजे की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। जीआरपी को जानकारी मिली थी कि 4 बैगों में गांजा भरकर एक शख्स तेलंगाना से आगरा जा रहा है। जीआरपी ने चंद्रपुर में संदिग्ध की तलाशी ली तो बैग से 38 किलो गांजा बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि गांजे की कीमत करीब 4 लाख रुपए है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वो आगरा में ये गांजा किसे देने वाला था और गांजे की तस्करी वो कब से कर रहा है। होशंगाबाद में सड़क हादसे की भयानक तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक है। देखिए, भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे 69 पर नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने पहले ऑटो को टक्कर मारी और उसके बाद ऑटो को घसीटते हुए ले गया। हादसे की तस्वीरें कई लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली। पुलिस की माने तो ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। सूरत से दरिंदगी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को सीधे सीधे हम आपको नहीं दिखा सकते, मगर इसमें एक शख्स हथौड़े से दूसरे शख्स पर वार कर रहा है। बताया जा रहा है कि हथौड़े से 36 बार वार करके आरोपी ने युवक को मार डाला। मामला सूरत के पूना थाना क्षेत्र का है।
हत्या की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वैसे तो बिहार में शराबबंदी है, मगर अक्सर लोग नियम कानून को ठेंगा दिखाते रहते हैं। ऐसी ही खबर आई है बिहार के मोतिहारी से। पुलिस ने यहां शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मामला केसरिया थाना क्षेत्र का है, जहां राजपुर पंचायत के पूर्व सरपंच के घर पर अवैध शराब फैक्ट्री चलाने की खबर मिली थी। जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की तो भारी तादाद में शराब और शराब बनाने वाले सामान बरामद हुए हैं। आरोपी फरार है। राजस्थान के झालावाड़ में एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मामला गगधार थाना क्षेत्र के छतरी पालड़ा का है। बताया जा रहा है कि दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। लकड़ी का सामान होने से आग तेजी से भड़की और जब तक आग पर काबू पाया जाता, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूरत में मुक्तिधाम सोसाइटी में बोरे में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने तफ्तीश की तो मालूम चला कि एक शख्स इस महिला को 3 लाख रुपए में खरीद कर लाया था। दोनों पति पत्नी नहीं थे, मगर रहते साथ ही थे। पड़ोसियों की माने तो दोनों में बहुत झगड़ा भी होता था। पुलिस की माने तो हत्या का आरोप उसी शख्स पर है जो महिला को घर लेकर आया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के प्रतापगढ़ में बीती रात दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार बेकाबू बुलेरो सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक सिपाही समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुलेरो में सवार लोग एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। उसमें सवार सिपाही संदीप यादव की एक दिन पहले ही सगाई हुई थी। आज उसे मऊ में अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन करनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। इन दिनों पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई इलाके सफेद चादर से ढक चुके हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में ऊंची पहाड़ियों पर अद्भुत नजारा दिख रहा है। वहां लगातार बर्फबारी हो रही है, इस वजह से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड के औली में भी बर्फबारी का खूबसूरत नजारा दिखा। वहां विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग रिजॉर्ट बर्फ की मोटी परत से ढक चुका है। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। चमोली के बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और औली इलाके में भारी बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम में 1 से 1.5 फुट, हेमकुंड साहिब में करीब 3 फुट तक और औली में 1 फुट तक बर्फबारी दर्ज की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर विपक्ष लामबंद हो चुका है। रविवार को विपक्षी पार्टियों ने एक साथ बड़ी रैली की और इमरान सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। साथ ही घोषणा की कि वो इमरान खान के इस्तीफे की मांग को लेकर अब मार्च करेंगे। कोरोना के खतरे को देखते हुए लाहौर में 300 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। फिर भी इमरान के खिलाफ बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। इस प्रदर्शन को नवाज शरीफ ने भी ऑनलाइन संबोधित किया। न्यूयॉर्क में क्रिसमस से ठीक पहले गोलीबारी की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने क्रिसमस कंसर्ट में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। चश्मदीदों के मुताबिक उसने 2 हथियारों से गोलियां बरसाई। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक इस फायरिंग में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। उसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 7,22,00,000 के पार पहुंच गया है। महामारी में अब तक 16,14,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं, वहीं करीब 5 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। चीन में कोरोना के 24 नए मामले आने के बाद हड़कंप मच गया। नेशनल हेल्थ कमीशन ने संदिग्ध जगहों पर टेस्टिंग कराने के आदेश जारी किए। शंघाई में 10 नए मामले समेत बीजिंग, सिचुआन, वुहान में भी क्लस्टर्स की तलाश जारी है। जापान में पहली बार एक दिन में 3,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजधानी टोक्यो में बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंता जताई है। सरकार अर्थव्यवस्था कमजोर होने के डर से कड़े कदम उठाने में सुस्ती दिखा रही है। जापान में अब तक 1,77,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 2,562 लोगों की मौत हो चुकी है।